अगर वो कृपा ना हो तो ये झाड़ा भी कोई काम नहीं करेगा। जी 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 जी, ये सब उसी के विश्व उसी के सहारे टिका हुआ है जिसके नाम से ये झाड़ा चल रहा है। एमपी सतना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितने दिन हो गए आए हुए? तीसरा झाड़ा है। तीसरा झाड़ा है, तो अब शाम को निकलोगे या अभी निकलोगे? आज सब निकल रहे हैं दोपहर में। तो फर्क पड़ा गया यहाँ पे? फर्क पड़ा। हेलो, क्या इनको तकरीबन हमारे को तो 8-9 महीने हो गए भाई, इसको पता चल गया भाई इनको कैंसर है। अच्छा, तो यूट्यूब पर मोबाइल पर देखा था, फिर उसकी वजह से देख के आ गए इधर। तो पहले कहीं दिखाया इनको? फांडा फूंडा तो नहीं कराया, वैसे पीजीआई में इसका लाज था। अभी जो इसका लत है, लत वजन काम नहीं करती। कहाँ से ले गए माता जी को? रूपनगढ़। हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम हो गई इनके? कैंसर की बीमारी है। देखो कितनी समस्या है यहाँ पे। गुटखा खाते थे, जवाहरलाल नेहरू, नवोदय हॉस्पिटल, जितने भोपाल में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब में, मतलब ये क्या है, वीडियो देख के आए। तो ज़्यादातर लोग वीडियो देख के ही आ रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे। तो ये है भाई साहब। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई समय पे पीने के लिए पानी लेके जाया करते थे, लेकिन जब कैंसर का इलाज होने लगा तो उसके बाद में यहाँ नहाने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। और अभी आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां है यहाँ पे, और कुछ गाड़ियां चली गई है। और अभी हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे ये व्यवस्था है झाड़ी देने की, तो वहाँ लेके चलेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं तो आप देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर एमपी की गाड़ियां है, जयपुर से भी है, और उत्तराखंड की भी गाड़ियां है। तो यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ गाँव वालों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है पानी ले जाने में। रात्रि विश्राम यही किया जाता है, और सुबह लोग उठ चुके हैं और अपने चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये पास ही में यहाँ पे जंगल है जहाँ पे ये शौचालय बने हुए हैं, और नहाने के लिए और पीने के लिए पानी लेके जाते हैं गांव वाले। तो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे डेरे लगा के कुछ लोग रह रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है। राम राम। कौन सा गांव का हो? एमपी से। कितना दिन होगा आए? तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन। कौन के काय बीमारी हो रही था? के भाई के काय बीमारी होगी? भाई के छाला हो रहा, मुंह के छाला हो रहे। तो कोई फायदा आयो को ना आयो? अब अभी आया है, पहली बार। अच्छा, पहली बार ही है। आज को दिन ही है या दो दिन होगा? तीसरा दिन होगा। तो कितना झाड़ा बाकी है था का? अब आज को ही है। हाँ। तो ये देखो, हलवा बना के खा रहे हैं। और आप ये बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के फायदा हो रहा है या नहीं आ रहे, इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भैया, आप लेके आए या इनको? हाँ। आप कहाँ से? आप भी एमपी से? एमपी में कौन से जिले से? राजगढ़। राजगढ़ से आए हो? तो कितने दिन का सफर रहा यहाँ आने का? एक पूरा एक दिन लगा। सुबह कितने बजे रवाना हुए थे? सुबह 5 बजे, रात में। रात को 5 बजे रवाना, तो शाम को कितने बजे पहुँचे? 3:30 बजे। तो यहाँ रुकने के लिए कहाँ, इस टेंट में रुकते हो क्या? नहीं, ये खुले में। खुले में ही? खुले में। तो बिस्तर वगैरह सारे लेके आए हो? तो गाड़ी खुद की लेके आए हो या कोई ट्रेवल की? किराए की। क्या रोज पे गाड़ी है? कई रोज पे गाड़ी है? किलोमीटर से। किलोमीटर से ही है। हाँ। तो 3 दिन का वो रुकेगा, तो 3 दिन का चार्ज नहीं लेगा क्या वो? क्या चार्ज लेगा एक दिन का? कितना किलोमीटर पड़ गया? ये पड़ गया 900 किलोमीटर आना और जाना। तो क्या किलोमीटर के हिसाब से आई थी? 9 रुपए हो गए। अच्छा, चलो फिर भी ठीक है, आराम आ जाए तो बढ़िया है। तो ये देखो, बस नाश्ता करो जी। हम भी कर लो। नहीं, बस हम किसी के रुके हुए हैं, तो आज ये जयपुर से आए वीडियो बनाने के लिए, भाई कैसे क्या चल रहा है उसके लिए, मीडिया की तरफ से हम। तो ये देखो, बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है इन लोगों को। यहाँ झाड़ा दिलाने के लिए आ रहे हैं, तो खुले जंगल में रहते हैं। और ये देखो, यहाँ लोग देखोगे आप, खुले जंगल में रह के और अपना खाने पीने का सामान खुद लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कई बीमारियों के लोग आ रहे हैं, पीड़ित लोग हैं जो अपनी आस लेके भगवान देवनारायण जी के यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारे फ़ायदा होगा। और 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, काफ़ी किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद में यहाँ पहुँचते हैं, और भगवान के यहाँ जो हमारे बाबा जी ये झाड़ा देते हैं, उनके झाड़ा लगवाते हैं,
और 3 दिन खुले में विश्राम करते हैं। तो ये यहाँ की इन लोगों की पीड़ा है। तो अगर यहाँ पे प्रशासन थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था करी है लोगों ने, लेकिन यहाँ पे लोग क्यों नहीं रुक रहे इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बात करेंगे। वीडियो देखते रहे और बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों ये देख सकते हो सुबह से यहाँ काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे काफ़ी मरीज आ रहे हैं भगवान देवनारायण जी के दर्शनों के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है यहाँ पे। हेलो, तो अब हम आपको लेके चलेंगे मंदिर की तरफ जहाँ बाबा जी झाड़ा देते हैं, और सुबह से कितनी लाइन लगी हुई है ये भी देखना। अभी लगभग सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर की गाड़ियाँ आ रही है, जैसे कि आप वीडियो की स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये झाड़ा लगवाने की लाइन लगी हुई है और सामने बाबा जी झाड़ा देते हैं जैसा कि आप देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। कहाँ से लेके आए माता जी को? रूपनगढ़। रूपनगढ़? हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम हो गई इनके? कैंसर की बीमारी है। देखो कितनी समस्या है यहाँ पे। आप कहाँ से आए भैया? जम्मू से हैं। तो वीडियो देख के आए यहाँ वैसे ही? कितने दिन लगे आने में? लग गया हमें 3 दिन। 3 दिन लगे आने में और 3 दिन जाने में लगेंगे। तो क्या खुद की गाड़ी लेके आए हो या किराए पे? तो कितना? ट्रेन से आए हो? ट्रेन से कहाँ से आए? जलंधर से। जलंधर से आए हो? जी हाँ, फगवाड़ा से। अच्छा जी। तो कितने दिन रुके यहाँ पे? आप पहले दिन ही आए। रात को कहाँ रुके? ट्रेन पर ही हो गया सफर। सफर हो गया बस, सुबह उतरे थे। उतरे तो पहला झाड़ा लगा है आज? पहला झाड़ा लगा। तो आज 2 झाड़े और बाकी है? जी हाँ। तो कब जाओगे वापस? 2 झाड़े लगवा के फिर ही जाएंगे। तो कब से हो रही है इनके समस्या? इनको तकरीबन हमारे को तो 8-9 महीने हो गए भाई, इसको पता चल गया भाई इनको कैंसर है। अच्छा। तो यूट्यूब पर मोबाइल पर देखा था, फिर उसकी वजह से देख के आ गई इधर। तो पहले कहीं दिखाया इनको? फांडा फूंडा तो नहीं कराया, वैसे PGI में इसका लाज था। अभी जो इसका लत है, लत वजन काम नहीं करती। जी जी। शायद उनके ऊपर कोई असर पड़ गया होगा। अच्छा। अभी हमने सोचा भी शायद कोई झाड़ा लगाने से इसको आराम मिल जाए। तो डॉक्टर के अलावा यहाँ पे पहुँचे हो आप? जी हाँ। तो कितना खर्चा बैठ गया आने में? खर्चा हिसाब किया ही नहीं, पता नहीं कितना बैठ गया। कितना? एक आदमी का? हाँ, हमने नहीं हिसाब नहीं किया। तो कितने आदमी आए हो आप? 3 जने। 3 जने आए हो? जी हाँ। तो आपके मतलब पूरा हफ्ता आने जाने में हो जाएगा? हाँ, हफ्ता तो एक लग ही जाएगा। एक हफ्ता लग जाएगा? हाँ, तो बंदे को आराम होना चाहिए, बेशक 2 हफ्ता लग जाए, जान है तो जहान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। तो देखो बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि अपने क्या लगते हैं वो आपके? मेरा भाई है। भाई जी है? हाँ। बड़े भाई जी है, छोटे भाई जी? मामी का लड़का है। मामी का लड़का है। तो देखो और कोई परेशानी थोड़ी हुई आने में? कोई परेशानी बस। तो जैसे बस स्टैंड से उतरते सीधे, रेलवे स्टेशन से उतरते सीधे यहाँ गाड़ी करके आ गए? ऑटो पकड़ा, ऑटो से इधर आ गया। अच्छा, ऑटो लेके आ गया। चलो बहुत बहुत बढ़िया। वाला भी बंदा एक नंबर है, सही है। नहीं नहीं, यहाँ देखो सभी राजस्थान में तो सभी देखो बीमारी के लिए लेके आते तो सीधा वहीं लेके आते हैं। अभी उधर चक्कर लगाने हैं। ठीक है साहब, ठीक है, उधर जा रहे हैं। ओके ओके, भगवान करे आराम मिले उनको, यही लंबी दुआ मांग रहे हैं हम तो। चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बाबा जी झाड़ा दे रहे हैं और यहाँ सुबह से लाइन लगी हुई है, काफ़ी भीड़ आ रहे हैं। चलो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दूर के लोग आए हैं, जम्मू से आए हैं, कोई MP से आए, कोई UP से आया है, मतलब भारत के हर कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बाबा जी के दर्शनों के लिए। चलो भाई चलो, तीसरा झाड़ा हो गया पूरा, तीसरा झाड़ा छुट्टी भी।
आराम मिलो तीसरा दाड़ा में इन पूछ लो भाई ने बता दे फोन आला ना कड्डू आयो कशा गांव आयो इन फोन बता कहां से आयो जो पूछ एमपी सतना डिस्ट्रिक्ट अच्छा कितने दिन हो गए आए हुए तीसरा झाड़ा है तीसरा झाड़ा है तो अब शाम को निकलोगे या अभी निकलोगे आज सुबह निकल रहे हैं दोपहर में तो फर्क पड़ा गया यहाँ पे फर्क पड़ा हेलो क्या आप बीमारी थी कैंसर था अच्छा किस चीज का था मतलब कहाँ पे था कैंसर गले पे था तो देखो इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी आराम है और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई है एक महीने बाद आना एक महीना बाद आना चलो भाई तो दोस्तों यहाँ भैरव जी के परिक्रमा लगाने के बाद में जयकारे लगाए जा रहे हैं की जय राम राम बाबूजी राम 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 कौन सा गांव से आए थे हम आए थे भरतपुर से भरतपुर से तो कितने दिन हो गए आपके आए हुए आज अभी आए हैं अभी आए पहला झाड़ा लगवाया आपने पहला झाड़ा लगवाया तो उससे पहले कोई और कहीं भी झाड़ा लगवाया था क्या नहीं नहीं तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको डॉक्टर ने क्लियर जवाब दे दिया क्या जवाब दिया खतरे से बाहर अच्छा खतरे से बाहर है तो मतलब कौन सी स्टेज चल रही है आपकी स्टेज तो ज्यादा नहीं है फिर भी लेकिन वो हद से ज्यादा फैल गई है इसलिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो कहाँ पे हुआ है मतलब गले में है या अच्छा पेशाब की नली में तो झाड़ा लगवाने के बाद में लगभग आज ही रुकोगे या कल भी रुकोगे तीन दिन रुकोगे है ना तीन दिन का झाड़ा लगवाओगे तो देखो भरतपुर से आए और ये इनके हाथ में रिपोर्ट है 20,000 की रिपोर्ट हुई है साहब चेकअप 20,000 20,000 की पूरी बॉडी का सिटी स्कैन हुआ दिखता है अच्छा पेट स्कैन तो यहाँ पे आप रुकोगे तीन दिन तो यहाँ रुकने की व्यवस्था कहाँ करी है आपने अभी कहीं नहीं करी है तो जैसे एक तंबू अम्बू लगे हुए वहाँ रुकोगे बिस्तर वगैरह सारे लेके आए हो क्या नहीं पर्सनल गाड़ी करके लाए हो नहीं 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 ऐसे किराए की गाड़ी जयपुर तो हम आए थे ये चेकअप कराया था अच्छा फिर वहाँ किसी ने बताया होगा या कोई वीडियो देख के आए हो वीडियो देख के आए तो ज़्यादा अगर लोग वीडियो देख के ही आ रहे हैं जैसा कि आप देखेंगे तो ये है भाई साहब तो ये सारी की सारी कृपया देव नारायण जी की है सारी की सारी कृपा देव नारायण जी की है उसकी कृपा से ही ये झाड़ा काम कर रहा है अगर वो कृपा ना हो तो ये झाड़ा भी कोई काम नहीं करेगा जी 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 ये सब उसी के विश्व उसी के सहारे टिका हुआ है जिसके नाम से ये झाड़ा चल रहा है तो आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से ठीक होने के बाद में अपने परम तत्व परमात्मा को याद करना चाहिए गृहस्थी में हमको नहीं फंसना चाहिए अभी हम कैंप पहुँचे हैं जहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं कैंसर का इलाज करवाने के लिए और लेखराज भाई और जो ये हमारे काकू भाई है ये हमको मिलाने के लिए लाए हैं तो आज अभी हम उनसे पूछेंगे कि क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं फ़ायदा हो रहा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे तो आइए अभी हमारे साथ चलिए राम राम कौन सा गांव का डेगाना के पास में तो पहली भी आया या आबारी आया पहली बार ही आया तो सुबह आया कद आया काल आया तो झाड़ू लगवा लिया कि दो लगवा लिया तो कोई आराम आयो को ना आयो यहाँ नॉर्मल आराम आराम है नॉर्मल तो जी आप कोई वीडियो देख रहा है कोई थाने बतायो हम तो खाली वो वीडियो देखते हो सर और कई और भी बताइए और भी बताइए हाँ, तो पहली से पतो हो या अबारी पतो है अबारी पतो पड़ियो अबारी पतो पड़ियो तो यो तो देवमाली तो बहुत पुराना गांव है तो थाने गांव से मन अब भी ठा पड़ियो कद कितो पुराना है का तो था कि बीमारी काई हो रही है बीमारी देखो सर हमारे ओ दांत पड़ियो मैं दांत पड़ियो जको बीम को रुनो रेगो थोड़ो सो बहुत मुझे ऊपर निकलवा दियो अच्छा और अब दर्द करे ना काई नाम है आपनो उमेद सिंह बाना उमेश सिंह आगे का लगाओ चौहान तो देखो उमेश सिंह जी चौहान ने बताया कि इनको अभी पता चला मतलब कुछ दिनों पहले और वीडियो देख के ये आए हैं और इनके थोड़ा बहुत आराम है तो दो झाड़ों में आराम है इनके है ना और एक झाड़ू और लगवाशो तो फिर बी के पाचे फिर आनो पड़ेलो या काल बताया काल बताओ तो आज आज शाम को नहीं काल को ये नंबर तो इन्होंने बताया कि अब कल इनका नंबर आएगा और कल फिर से ये झाड़ा लगाने जाएंगे तो ये कोई दांत उपड़ाए थे तो दांत उपड़ाए तो कई बीमारी बताएगी डॉक्टर बीमारी आई कर दिया पूरा मैं दांत पड़ा लिया हरी दाँत हिलना चाहती माँ
अच्छा मतलब भी जो दर्द करते जी भी दर्द के लिए ही आया होते नहीं बहुत दर्द तो मैं भी दर्द भी खाते तो वो डाढ़ी में पढ़ाई अच्छा अब मैं 5-6 साल में दुख वाला की बात अब दुख वाला की हाँ जब मैं जयपुर से करवाई जो जयपुर अड़की ने मैं कई जाँचा करवाई और बाद में पढ़ी तो जांच में काई आयो मतलब जांच के मायने जांच में तो अब मैं डॉक्टर ही जाने रहा मैं तो कहीं जाना तो काई कौन बतायो ये दाने बतायो कि वन मन तो डॉक्टर को रूनो आयो जब वो रूनो तो मैं दवाई की शीश में गादर के की जांच कराओ और मन परेशान में गोरन थोड़ी जो मन तो कितना साल होगा परेशानी में होता हुआ 3-4 महीना में कैसे 4 महीना से तो 4 महीने से बाबा जी परेशान है और 4 महीने बाद में यहाँ वीडियो देख के आए हैं और कुछ आराम बता रहे हैं तो अभी हम चलते हैं कैंसर कैंसर की जो बीमारी है उसके बारे में बातचीत करते हैं और 3 झाड़ा बताते हैं तो 2 झाड़े लग चुके हैं और 1 झाड़ा तो दोस्तों अभी ये दीदी है इनके ये भैया हैं छोटे भैया हैं तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या थी और ये वीडियो देख के आए या किसी से सुन के आए तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और कब आए तो दीदी आप कब आए हो यहाँ पे हम लोग कल आए हैं कल आए आप कहाँ से हो हम सीहोर से हैं सीहोर से ये कहाँ पड़ता है अच्छा एमपी से आए हो आप भोपाल से तो देखिए दोस्तों ये एमपी से आए तो आपने वीडियो देखा या किसी ने बताया हम वीडियो देखा मोबाइल में वीडियो देख के फिर आए हम यानी वीडियो के देखने के बाद में ही आए हो आप तो यहाँ कब आए आप कल आए तो झाड़ा वाड़ा लगवाया आपने कल एक लग गया एक आज लग गया झाड़ा और एक झाड़ा बाकी है एक बाकी है तो आपने 2 झाड़े लगवाए तो भैया ने कुछ महसूस किया कुछ पूछा आपने हाँ अभी आराम है आराम है आराम होने लगता है कभी कभी ऐसे हाथ में भी आ रहा है इधर भी दर्द है अभी तो डॉक्टर को कब दिखाया आपने ये पट्टी बंधी हुई है जो वहीं से करवा के लेके आए होंगे 5-6 महीने से इलाज चल रहा है भोपाल का चल रहा है बड़े डॉक्टर में चल रहा होगा हाँ। तो कितना पैसा खर्च कर चुके हैं अभी तक आप पैसे तो बहुत लग गए हैं कितना लगभग 5-6 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए लगने के बाद में अंतिम इन्होंने दुआ मतलब दवा के बाद में दुआ का सहारा लिया है और अब देखते हैं कि दवा के बाद में दुआ काम आती है या नहीं और अभी इन्होंने 2 झाड़े लगवाए तो दीदी बता रहे कि 2 झाड़े में थोड़ा आराम है तो क्या ये सही है आराम है 2 झाड़े तो आपको पक्का विश्वास है कि विश्वास है भैया जब तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और जब से आराम भी है ठीक है और तो कुछ दिन और रुकोगे या फिर कल ही वापस चले जाओ कल चले जाएंगे यहाँ पे बोलते 3 झाड़े ही लेते हैं अच्छा इनके बाद में घर जाना पड़ता है फिर दोबारा वापसी फिर दोबारा आओ अपन 15 दिन या महीने भर बाद में फिर आओ 1 झाड़ा फिर थोड़ा तेज बोलो 15 दिन बाद या महीने भर बाद में फिर तो आना क्या बीमारी बताई इनकी बीमारी यहाँ पे गठान है अच्छा गठान है तो अभी उसका ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन नहीं हुआ मना कर दी डॉक्टर ने अच्छा तो किस वजह से मतलब ये कुछ सेवन एवन तंबाकू वगैरह कोई सेवन वो 10 साल पहले करता था मगर अभी तो कुछ भी नहीं है तो क्या सेवन करते थे जैसे कोई बीड़ी सिगरेट या गुटखा ही खाते थे भैया कौन सा गुटखा तो देखो दोस्तों गुटके पे साफ लिखा हुआ आता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इससे खाने से कैंसर होता है लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है इसकी लत लग रही है उसके तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस लत को छोड़े उस गुटके के पैसे से या तो दूध का सेवन करें या फल फ्रूट का सेवन करें नहीं तो देखो ये भैया इनके आंसू गिर रहे हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और इतनी पीड़ा है जो ये दीदी महसूस कर सकती है या ये भैया महसूस कर सकते हैं और अगर आप देवमाली आओ तो आप भी खुद भी महसूस करोगे कि कैसे ये परिवार इस समस्या का समाधान करने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा है अभी छोटे बच्चों को भैया घर छोड़ के आए हैं इसके भी मेरे भी दोनों के वो लोग घर रुके हैं हम यहाँ आए हैं अब 2 दिन हो गए हमें भी विश्वास से आए हैं यहाँ पे हम कि बाबा के यहाँ तो पे आप नई जो पीढ़ी है नए जो युवा है उनको क्या कहना चाहोगे एक बार उसके लिए संदेश बताओ कि भाई जो गुटका आपने जो गलती है मेरे को 10 साल हो गए छोड़े हुए हाँ 10 साल बाद अपने आप गठान हुई है 15 दिन में इतनी बड़ी हो गई थी अच्छा 15 दिन में हाँ 10 साल हो गए मेरे को गुटका छोड़े हुए तो आपने जो गलती महसूस करी तो अब आपको बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है हाँ सबको ज्यादा कैंसर हो रहा है तो देखो इन्होंने गुटके का नाम भी बताया है बड़े बड़े फिल्म स्टार इसका प्रचार करते हैं लेकिन इस प्रचार के चक्कर में हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको
पूरे परिवार को उसका खामियाजाना भुगतना पड़ता है और उसके चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, परिवार को छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ आप देखो पूरी गर्मी के अंदर कैसी व्यवस्था हो रही है और कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं, ये यही महसूस कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे ये महसूस कर रहे हैं। तो आप मैं एम्स हॉस्पिटल भोपाल में, अच्छा वहाँ भी मैंने सब वाले ज़्यादा इतने पेशेंट देखे, सबसे पूछा मिलते हैं ना इलाज करवाने आते भैया क्या अगर गुटखा खाते थे, जवाहरलाल नेहरू, नवोदय हॉस्पिटल, जितने भोपाल में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब में मतलब ये से सबको ज़्यादा कैंसर हो रहा है। आप भैया बता रहे कि देखो गुटखा ना खाए, प्लीज़ अपने मम्मी पापा की तरफ देखें, अपने छोटे छोटे परिवार के बच्चों की तरफ देखें, एक बार उन पर नज़र पसार के देखें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी सेवन कर रहे हो किसी भी मादक पदार्थ का, आज ही कसम खा लो कि इसको छोड़ें। नहीं छोड़ोगे तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है वैसे तो, लेकिन देखो आस है, आस खींच के लेके आती है, जब तक पैसा है तब तक लगाए। क्योंकि कल मैंने देखा एक माताजी है, उन्होंने अपने जानवर बेच के यहाँ पे आई है, मतलब जानवर बेच के यहाँ पे आई है अपने पति का इलाज कराने के लिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है आप सोचो, सही है नहीं है? सही है भैया। तो आप क्या कहना चाहोगे आज की पीढ़ी के लिए? यही बोलना चाहेंगे कि ना गुटखा खाए, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ये नशीले पदार्थ खाना ही नहीं है अपन को। तो जैसे ये देश के जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है इसका प्रचार करते हैं तो उनके भैया केस करना चाहिए, ये प्रचार करते हैं तो इतना बड़ा प्रचार करते हैं तो उनके ऊपर केस करना चाहिए, वो करते हैं तो ये आज की पीढ़ी खाना शुरू कर देती है देख देख के यूं ऐसे, नहीं तो वैसे कहाँ खाएं। अब देखो ये भैया खुद बता रहे हैं सलमान खान जैसा राजश्री का प्रचार कर रहा है और उसकी लत है ना हमारे युवाओं को पड़ रही है, तो ये एक बहुत ही गलत संदेश है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में और पूरे भारत में ना गुटखा को बैन करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इससे पैसे वाले बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल जो संचालक हैं उन वो अपनी जेब भर रहे हैं और गरीब लोगों का है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो धन्यवाद, आप भगवान आपके कृपा करें और ये जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो। आशा लेके आए भैया यहाँ से ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप आशा लेके जाओ, देव नारायण जी पे भरोसा रखो, जल्दी ठीक होंगे।